सो हेलो ऑडियंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में होने वाली है WWE की काफ़ी सारी अपडेट्स। तो यार आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ज़्यादा लंबी मैं इस वीडियो रखूँगा नहीं। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है विंस मैकमैन से, और WWE प्लान कर रही है विंस मैकमैन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने की। और यहाँ से काफ़ी सारे फैंस ये सुन के नाराज़ हो गए थे कि WWE ऐसे कुछ प्लान्स कर रही है, क्योंकि यार विंस का हॉल ऑफ फेम में आना कहीं कहीं ऐसा बताता है कि क्या पता उनका रिटर्न भी हो जाए। बाकी देखो यार विंस हॉल ऑफ फेम में आते तो क्या उनका WWE का रिटर्न होता है या फिर नहीं, वैसे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और देखो यार विंस मैकमैन नेक्स्ट ईयर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है आने वाले स्मैकडाउन से, और स्मैकडाउन से एक स्पॉइलर निकल कर आया है कि जो हमारी न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस हैं डेकोटा काय एंड यू स्काय, उनके साथ साथ बेली भी या फिर कहते पूरी उनकी फैक्शन आने वाली है इस वीक के स्मैकडाउन के शो में। अब देखो यार उनका क्या कुछ रोल होता है, लेकिन ये कुछ स्पॉइलर आया है सामने कि इनके फैक्शन आ रही है स्मैकडाउन के शो में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है हमारे कैंडिस लैरिस से, और उन्हीं के हस्बैंड जॉनी गर्गानो रिसेंटली इंटरव्यू देते हैं जहां पर वो बताते हैं कि कैंडिस लैरिस कब तक करेंगे अपना WWE रिटर्न। और वो कहते हैं कि कैंडिस लैरिस अभी खुद भी श्योर नहीं है, क्योंकि वो बनी है अभी माँ, और वो खुद भी श्योर नहीं है कि वो कब तक रेसल करेंगी और वापस से कब वो किसी कंपनी में आएंगी। और उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि वो WWE में ही आएंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि कैंडिस लैरिस अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है या फिर कहते वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं है कि वो रेसलिंग कर भी पाएंगी या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी रैंडी ओटन से, और रैंडी ओटन का क्या है इंजरी स्टेटस या फिर कहते अभी उनकी इंजरी का क्या कुछ सीन चल रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता है तो रैंडी ओटन है इंजर्ड, उनके बैक में दिक्कत है, तभी वो नहीं आ रहे हैं WWE के अंदर। और बताया ये गया है PW इंसाइडर की तरफ से कि अभी फिलहाल के हिसाब से रैंडी ओटन कुछ और लंबे टाइम तक नहीं आने वाले हैं, और आगे उन्हीं के बारे में अपडेट है जो कि गुड न्यूज़ है उनके फैंस के लिए, तो वही आप लोग सुन लो। तो अगली अपडेट की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि जुड़ी है रॉयल रंबल के दो बड़े रिटर्न से, और यहाँ पर जेरो न्यूज़ इस चीज़ को बताता है कि WWE प्लान कर रही है रॉयल रंबल में बिगी एंड उनके साथ साथ रैंडी ओटन का रिटर्न। तो WWE बिगी और ओटन का रिटर्न प्लान कर रही है आने वाले रॉयल रंबल की शो के लिए। बाकी देखो ये जो न्यूज़ है वो कितनी सच होती है, और क्या वाकई में बिगी और रैंडी ओटन का रिटर्न सही में होता है रॉयल रंबल साल 2023 में। और अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि WWE एकदम से ऐसा लग रहा है कि लोगन पॉल एंड रोमन रेंस की बीफ प्लान कर रही है या फिर कहते मैच प्लान कर रही है। अब होता क्या है, रोमन रेंस आते हैं लोगन पॉल के शो में, जहां पर वो शो के जाने के बाद रोमन रेंस जब शो से चले जाते हैं तो लोगन पॉल उनके बारे में बुराई कर देते हैं, और रोमन रेंस इस चीज़ के बारे में ट्वीट करते हैं, और वही ट्वीट आप लोग इसी पर देख रहे होंगे जहां पर रोमन ये कहते हैं कि जब तक मैं था तुम लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं चला गया तो ये क्या हुआ। और इसके बाद वो कहते हैं कि भाई पॉलेमन तुम ही संभालो, तो पॉलेमन ट्वीट करते हैं, और फिर लोगन पॉल कहते हैं कि भाई बताओ मैं इसे कैसे सेटल करूं। तो यहाँ पर इसका जवाब देते हैं हमारे HHH, और HHH कहते हैं कि भाई ग्लोबली जिसको भी जिससे दिक्कत हो वो आए और स्मैकडाउन के शो में बिल्कुल उसको अपना फिक्स करे। और यहाँ पर कल के शो में लोगन पॉल ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुके हैं स्मैकडाउन के शो के लिए, और भाई लोगन पॉल आएंगे कल रोमन रेंस के सामने, क्योंकि कल के शो में पूरी ब्लडलाइन भी एडवर्टाइज है स्मैकडाउन के शो के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो लोगन पॉल एंड रोमन रेंस के मैच के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। सो वेल नंबर जज की वीडियो थी वो भी तक किसी को पसंद तो लाइक करना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल कॉन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।